आज का जो दिन है बहुत ख़ास है। आज 2 मार्च 2022 है। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि 2022 को 3 में मिलाने पर और 2 की संख्या मिलाने पर जो टोटल आता है वो भी 2 आता है। तो आपको लिखना है इस खास दिशा में 2 बार 2 2। ये 4 का अंक हो जाएगा। जो 4 का अंक है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु का अंक इसलिए हमें आवश्यक है कि 2 बार आपने 2 2 लिख दिया तो 2 2 की पावर आपको मिल गई। लेकिन 4 टोटल होने से राहु आपके लिए शुभ हो गया। और अगर आप इसको इस जगह लिख देते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि राहु जिस पर मुदित होता है उसको करोड़ों में, अरबों में, खरबों में खेलने पर आमंत्रित कर देता है। ऐसी उसकी पावर उसको मिलती है। तो राहु कलयुग में बहुत ज़्यादा पावरफुल देवता है, और इसकी पावर आप लेने के लिए 4 का प्रयोग कभी भी किसी भी दिशा में करेंगे। स्पेशली जो राहु की दिशा है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण मानी गई है। नैऋत्य कोण में अगर आप 4 का अंक लिखते हैं या 4 अगरबत्ती आप जलाते हैं, 4 की संख्या में कोई भी काम करते हैं, पेन स्टैंड में 4 पेन आप रखते हैं, तो राहु की पावर आपको मिलती है। राहु अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो भी शुभ परिणाम देने लगता है अगर आप 4 के अंक की पावर लेना प्रारंभ कर देते हैं। 4 का अंक राहु को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी पावर आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको किस तरह से पावर लेनी चाहिए ये मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, 25 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और बहुत लोगों को लाभान्वित कर चुकी हूँ। आप भी मुझसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, ये सर्विस चार्जेबल होती है। वीडियो के अंत में इससे संबंधित जानकारी मैं पूरी दूंगी, लेकिन आज खास जानकारी जो मैं आपको देने वाली हूँ, 2 2 यानी 22 की संख्या कैसे लिखें, कहाँ लिखें, जिससे आपको पूरा प्रभाव राहु का मिल सके और चंद्रमा की शक्ति भी आपको मिल सके। क्योंकि चंद्रमा और राहु अगर साथ में होते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है, और ग्रहण योग से आपको मुक्ति के उपाय भी बता रही हूँ। अगर आपके जन्मजात कुंडली में आपके ग्रहण योग है, चंद्रमा राहु साथ है, तो आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी और आप कभी भी कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए राहु और चंद्रमा के उपाय आपके लिए करने आवश्यक हैं। तो अब वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। और एक जानकारी देनी थी कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कम कम हो जाते हैं क्योंकि वो ज्योतिष में रुचि नहीं रखते हैं, और वो पाते हैं कि मैं ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ तो वो सब्सक्राइब करना बंद कर देते हैं। लेकिन उनको ये मैं बता दूँ कि मेरे सब्सक्राइबर की कोई कमी नहीं है। 20 कम होते हैं तो 25 ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, 50 ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, और ऐसे चलते मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँचने वाली हूँ बहुत जल्दी ही। मेरी 1 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे दिलाने में मदद करिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी में रुचि है तो ही सब्सक्राइब करना। एस्ट्रोलॉजी में रुचि नहीं है तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, क्योंकि सब्सक्राइबर की मुझे कभी कमी नहीं थी और अभी भी कमी नहीं है। सब्सक्राइबर का मैं हमेशा स्वागत करती हूँ और उनको बहुत प्यार करती हूँ और ब्लेसिंग्स भी उनके लिए बहुत प्रेषित करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो इस 22 की संख्या पर केंद्रित है, और 22 की संख्या आपको कहाँ लिखनी है, 2 बार 2 2 कहाँ लिखना है। वीडियो में बने रहिए और अंत तक जानिए पूरा प्रोसीजर। जिनका राहु नेगेटिव होता है उनको सीढ़ियों से संबंधित असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। घर के बाहर सीढ़ियाँ भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए, घर के अंदर ही उनको सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम या पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, किचन भी नहीं बनानी चाहिए, कोई कमरा भी नहीं बनानी चाहिए, कोठरी भी नहीं बनानी चाहिए, स्टोर भी नहीं बनानी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे का जो भाग है उनको डेकोरेशन के चलते आप किसी भी क्रिएटिव काम में लीजिए, लेकिन ये चीज़ें भूलकर भी नहीं बनाइए। इससे आपका राहु आपको परेशान करता है और जीवन में तरह तरह की उलझनें व्याप्त हो जाती हैं। जिनका राहु दूषित होता है उनको साउथ वेस्ट दिशा वाले मकान में भूलकर भी नहीं रहना चाहिए। जो मकान साउथ वेस्ट फेसिंग होता है उस मकान में राहु का वास होता है और उनको तरह तरह की परेशानियां जीवन में आती हैं, तो साउथ वेस्ट फेसिंग वाले मकान में भूलकर भी नहीं रहें। हाँ, मैं आज आपको उपाय बता रही हूँ वो साउथ वेस्ट रूम से ही रिलेटेड हैं, लेकिन कमरा साउथ वेस्ट में कहीं भी हो सकता है, उसका कोई मलाल आपको नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट फेसिंग मकान में आपको नहीं रहना चाहिए। लेकिन जिनका मूलांक 4 है या 22 है या 13 है, वो 4 अंक वाले मकान में रहें तो उनको फ़ायदा होता है, और साउथ
वेस्ट वाली दिशा में रहना भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और उनके जीवन में उनको बहुत खुशहाली और धन का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आजकल भी कुछ घरों में टांड की व्यवस्था होती है, जो पट्टी नुमा अलमारी होती है ना, जो सबसे टॉप पर होती है। कोशिश करें आप सोते वक्त टांड के नीचे सिर करके ना सोएं, इससे आपके राहु नेगेटिव हो सकते हैं। आपको सीढ़ियों के नीचे बैठकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ना खाना पीना चाहिए, ना और कोई काम करना चाहिए, खेलना कूदना भी नहीं चाहिए। सीढ़ियों के नीचे ये काम करने से आपका राहु दूषित हो जाता है और आपको तरह तरह की परेशानियां जीवन में आने लगती है। राहु का रंग नीला माना गया है, तो नीले धागे में आप जायफल पहन सकते हैं एक पेंडेंट के रूप में, तो आपको फ़ायदा होने लगता है। वैसे तो शास्त्रों में लाल धागा बताया गया है, लाल धागे में भी जायफल का प्रयोग आप कर सकते हैं पेंडेंट के रूप में, या नीले धागे में भी आप पेंडेंट के रूप में जायफल पहनते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से तुरंत लाभ मिलने लगते हैं। तो आज का वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी और मुख्य जानकारी पर आ रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे की जानकारी। आपको क्या करना है, सरसों के तेल में या मूंगफली के तेल में जो आप खाते हैं, उस तेल में आपको जो चार कोन होते हैं धूप के, वो आपको डिप करके प्रज्वलित करने हैं चारों कोनों में। साउथ वेस्ट वाला कमरा होना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो कमरा होता है, मेन मकान मालिक मतलब जो मकान का ऑनर होता है, वो उसका कमरा होता है, मुख्य स्वामी का कमरा होता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। वंश वृद्धि का कोना भी साउथ वेस्ट माना गया है। अगर आप शयन कक्ष में विवाहित जोड़े को सुलाते हैं तो संतान उत्पत्ति की संभावना जल्दी पैदा होती है। ये कमरा अपनी अर्निंग को रखने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारी इसको किया जाता है, तो ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ जो भारी करता है इस कमरे को, बड़े बड़े अलमारी रख के उसके ज़िंदगी में खुशियों का और पैसों का सैलाब उमड़ घुमड़ कर आता है। लेकिन राहु संबंधी उपाय भी आपको करने चाहिए, क्योंकि जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है, इसका जो स्वामी होता है राहु केतु को माना गया है, तो राहु केतु की शांति आपको करनी चाहिए। केतु के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी, आज इतना ही वीडियो है राहु के बारे में। तो चार की संख्या यानी दो बार दो दो आपको लिखना है, और ये संख्या आप जायफल के ऊपर लिखते हैं, दो दो जायफल के ऊपर लिखकर आप इस कोने में रख देते हैं, साउथ वेस्ट के कोने में, और रात भर रखा रहने देते हैं। आप रात को रख के सुबह भी उठा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से चमत्कारिक रूप से आपको राहु की शक्ति प्राप्त होती है, और राहु की शक्ति जिसके पास हो वो जोड़ तोड़ में माहिर हो जाता है, वो हर काम करने में समर्थ हो जाता है, कूटनीतिज्ञ वो हो जाता है, और उसके लिए हर काम मुमकिन हो जाता है। तो राहु की शक्ति पाने के लिए जितना संख्या में आप दो दो लिखेंगे, या एक 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 चार बार लिखेंगे, या 13 का अंक लिखेंगे जो अशुभ माना जाता है, लेकिन अशुभ हम नहीं मानते हैं, कोई भी अंक अशुभ नहीं होता है, तो 13 का अंक भी आप लिखते हैं तो भी आपको राहु की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और इस शक्ति की बदौलत आप हर काम करने में समर्थ हो जाते हैं और आप धनवान तो तुरंत बन जाते हैं। ऐसा आप करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको दो 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 बार लिखना है, दो दो की शक्ति पुनः आपको दे रही हूँ, और दो 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 बार लिखने से आपको चंद्रमा की शक्ति प्राप्त हो जाती है, चंद्रमा की पावर आपको प्राप्त हो जाती है। आज अमावस्या का दिन है, चंद्रमा क्षीण है, लेकिन ये अंक लिखने से आपको चंद्रमा की शक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होगी, और चंद्रमा की पावर दिनों दिन आपकी बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार से चंद्रमा 16 कलाओं को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से आपकी हर दिन एक कला बढ़ती जाएगी, और आपकी ज़िंदगी में बहाने मार मार के पैसा आएगा, आप धनपतियों की श्रेणी में काउंट होने लगेंगे, आप पैसे वाले की गिनती में शामिल होने लगेंगे, ऐसा आपका सुख सौभाग्य जागृत होगा। ये नंबर अवश्य लिखिए, लेकिन विश्वास करना ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियो के द्वारा किसी को भी फोर्स नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अंकों में बहुत शक्ति होती है, नंबर्स में बहुत शक्ति होती है, और नंबर जो कारों के नंबर होते हैं, मकानों के नंबर जो लोग लेते हैं, अलॉट करते हैं, उसके पीछे यही रीज़न है कि अंक बहुत बड़ी समृद्धि दे देते हैं। कोई भी नेगेटिव अंक आपको बर्बाद कर सकता है, और कोई भी सकारात्मक अंक आपको जीवन में वो सब दे सकता है जिसकी आपने कभी कामना भी की होगी।
तो अंक या नंबर की शक्ति में विश्वास करते हुए ये काम अवश्य करिए और दो दो का नंबर जायफल पर लिखिए दो बार, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब 22 आपको लिखना है, तो इसमें राहु की शक्ति तो निहित है ही, राहु की शक्ति के लाभ तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन चंद्रमा की पावर भी आपको मिलेगी। क्षीण चंद्रमा है आज, लेकिन क्या कोई मलाल नहीं, आपकी दिनों दिन चंद्रमा की कलाएं जब बढ़ेंगी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान, तो आपकी हर दिन शक्ति बढ़ती जाएगी और आप पूर्णिमा के दिन देखेंगे आपकी शक्ति कितनी जागृत हो गई है। तो ये काम आप करके देखिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए।